व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। इट्स मी राकेश। दोस्तों, आज मैं काठमांडू से अपने गांव जा रहा हूँ, तराई। तराई बोलते हैं जो नेपाल का जो समतल भूभाग है, तराई बोलते हैं। नेपाल का जो 70% भूभाग पहाड़ है, पहाड़ से घिरा हुआ है, और बिलो 30% जो भूभाग है वो समतल है, जिसको तराई बोलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव, ठीक है। तो काठमांडू से मेरा गांव पर जाने में गाड़ी से 7 घंटा करीब लगता है, क्योंकि भाई पहाड़ी रास्ता है, ऐसा ऐसा है, घूम घूम कर ऊपर जाना है, घूम घूम कर नीचे आना है, तो सीधा रास्ता नहीं है, देख सकते हैं बहुत इधर पहाड़ है। तो बहुत अच्छा अच्छा इधर हमको माउंटेन व्यू दिखाने वाला हूँ आज, तो बने रहिए मेरे साथ आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। Everywhere is surrounded by mountain, as you can see. नेपाल में ट्रैवल करने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही सुकून मिलता है यार। प्रकृति के गोद में बैठा हुआ जैसे नेपाल।
सो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया अपने घर तराई में। काठमांडू से पहाड़ से तराई पहुंच गया हूँ। दैट वन माय हाउस, ये खेत है, इधर बकरियों का बकरी पाला गया है। आ, आ, गाय 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 गाय। तो हाँ, ये है अपना घर, गाय बकरी का बैठने का जगह। ये बैठा हुआ बकरी, ये अपना घर, गरीबों का घर। ये किचन है, वीडियो बन पर हूँ हाल देने आई सके। ये हमारा रूम, ये हमारा रूम, सो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते, सलाम।